दोस्तों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया कि आपको किस तरह का रिस्पांस क्राफ्ट करना चाहिए। हमने ये सिनेरियो भी डिस्कस किया, मैं आपको वीडियो में जैसे कि बता के आया हूँ कि कितनी जल्दी जवाब देना चाहिए। अब एक एलिमेंट जो कि हम थ्री कीज़ का एलिमेंट हमेशा से डिस्कस करते आए हैं बिड में, जिनकी वजह से रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है एम्प्लॉयर की तरफ से और PMB ओपन हो सकता है, वो तीन सिनेरियो आपको अब तक तो रट चुके होंगे। एक, मॉकअप ऑफर कर दो, दो, सवाल पूछ लो, तीन, कम्युनिकेशन चैनल की इनिशिएशन का इजहार कर दो कि जनाब स्काइप पे आ जाओ। जनाब अज्यूमिंगली आपका एक PMB है जब वो ओपन होता है और उस पर डिस्कशन होती है, लेकिन जब आप बिड देखते हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपने फ्री मॉकअप का जिक्र ना किया हो। अब अगर आप मॉकअप भी ऑफर कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बात तो वही है ना कि कितना इंटरेस्ट एक्साइट कर सकते हो, कितना घेर सकते हो। सो इन सच ए सिनेरियो आई वुड एडवाइस यू, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नीश, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किल, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क यू डू, आपकी हर फील्ड के अंदर दोस्तों मॉकअप बनता ही बनता है। दो तीन घंटे लगाने से अगर $200-$300 का प्रोजेक्ट मिल जाए तो बुरा है? कितनी अच्छी बात है। सिर्फ एक जेस्चर दिखाने से, चाहे आप वेब डेवलपर हो, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे आप कंटेंट राइटर हो, चाहे आप ई कॉमर्स क्रिएटिव राइटिंग डेटा एंट्री सो एंड सो फॉर, देयर आर मिलियन स्किल्स इन डिमांड ऑन फ्रीलांस मार्केटप्लेसेस। हर एक का किसी न किसी एस्पेक्ट पे सवाल और सवाल के आगे मॉकअप बनता है। सो आई पर्सनली बिलीव मॉकअप की ऑफर करना बहुत ज़रूरी है इन अ फ्रीलांस मार्केटप्लेस। इससे एम्प्लॉयर को कंफर्टेबिलिटी मिलती है कि ये जो फ्रीलांसर है दे नो देयर स्टफ, दे अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम ऑन समथिंग जिसका इनको मालूम है कि शायद पे बैक ना हो। भाई एम्प्लॉयर पे है ना, आपने मॉकअप ऑफर किया, आपने मॉकअप 24 से 48 घंटे में कर भी लिया और उसके बाद आपका मॉकअप या सैम्पल देखने के बाद एम्प्लॉयर कहता ना पसंद नहीं आया, पर ना सही पसंद नहीं आया तो आपने तो जेस्चर दिखाया ना। इतना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता चलूँ इस वीडियो में, 70% ऑफ एम्प्लॉयर्स एक्चुअली रिस्पेक्ट योर डिसीजन ऑफ मॉकअप एंड इवन इफ दे डू नॉट लाइक इट तो वो आपको सजेशंस देते हैं, बॉल ड्रॉप नहीं करते होते कम्युनिकेशन की, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस सैंपल में ये कमी पेशी है, मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप इसको रिवाइज कर दें तो हम देख लेते हैं। आपको और क्या चाहिए, ये तो ऑलमोस्ट एक वर्ड दे दिया एम्प्लॉयर ने कि यार आपका काम अच्छा है, आपकी मेहनत अच्छी है, थोड़ा आप ऑफ टॉपिक ऑफ रेडार हैं कोई मसला नहीं, आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ मैं एज एन एम्प्लॉयर, इसको एंटरटेन कीजिए और एन मुमकिन है कि अगला सैंपल जो कि रिवाइज सैंपल होगा, रिवाइज मौका होगा, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से एम्प्लॉयर को पसंद आ जाए और आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाए। सो दिस इज़ वाई फ्री मॉकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री सैम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।